नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चेतना न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त पुराना अशोक गुराना फ्रोमिया। प्रिय साथियों, आज हम प्राथमिक हेल्थ सेंटर गुराना में पहुंचे हैं और कोरोना को लेकर जिस प्रकार की बीमारी फैली हुई है, यानी बीमारी कम, महामारी कम और बीमारी ज़्यादा है, उसी को लेकर हम पहुँचे हैं और डॉक्टर साहब से मिलेंगे और कोरोना के लक्षण, कारण, निवारण सब पर बात होगी। चलते हैं अंदर और देखते हैं किस प्रकार से सैंपल ले रहे हैं डॉक्टर साहब, किस प्रकार से लेते हैं। ये देखिए, ये डॉक्टर साहब हैं, यहाँ की महिला डॉक्टर हैं और ये बच्चे का अभी सैंपल लेंगे। मैडम हिना जो BDS हैं वो अभी सैंपल ले रही हैं। इस प्रकार सैंपल लिया जा रहा है और किस तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए, ये बच्चे का इस प्रकार जूम करके दिखाएं, थोड़ा जूम करके तो इसका मतलब सैंपल का कितने टाइम में पता चले मैम? इसकी रिपोर्ट 2 दिन में आ जाती है लगभग। 2 दिन में पता चलता है, मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। ठीक, आप बैठिए, हम आपसे थोड़ी बात करेंगे कोरोना के बारे में। ये लोगों में भय ज़्यादा फैला हुआ है, देखा दो तो यहाँ की सुविधा। ये देखिए, ये क्या है इधर? ये कोल्ड रूम। अच्छा अच्छा, यहाँ अच्छा वैक्सीन रखी जाती है, जो सुरक्षित वैक्सीन जिनको फ्रिज में रखना है, वैक्सीन तो फ्रिज में होती है। वैक्सीन भी यही है। हाँ, ये इस प्रकार सुविधा है और सैंपल यहाँ लिए जाते हैं, ये मेडिसिन वगैरह सब कुछ है। एक बार दिखाओ आपका मेडिसिन का स्टोर। ये मेडिसिन का स्टोर है। ये देखिए, ये देखिए, कहते हैं सरकारी जो संस्थाएं हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, उन्होंने दवाई देखा। बस नज़दीक से दिखाओ आप कितनी दवाइयाँ हैं। लोग तो वैसे ही, ये देखिए, बढ़िया बढ़िया कंपनी की दवाइयाँ सभी, और मेरे ख्याल से फ्री ऑफ कॉस्ट ही उपलब्ध करा रहे हैं। मास्क लगाओ जी, नहीं साइड में मास्क ज़रूरी है जी। ये आपका कौन सा सेंटर है? डेंटल। अच्छा, दांतों का है स्पेशल। देखिए नहीं, देखिए ये लगे हुए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब से बात करनी थी आपने। डॉक्टर साहब खड़ा करी, पूछोगे पूछता नहीं, वहाँ बैठ कहीं बैठ कर नहीं पड़ेगा, बाहर से कहीं कहाँ कहाँ खड़े खड़े कर डॉक्टर साहब बता देंगे, खड़े खड़े बहुत दिक्कत। नमस्कार साहब। नमस्कार, पहले तो आपका परिचय दीजिए, उसके बाद करेंगे बात। मैं MO PHC गुराना डॉक्टर अश्विनी जी, MBBS। हाँ तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो कोरोना को लेकर लोगों में भय फैला हुआ है, एक तो आप ये बताएं कि किस प्रकार कोरोना होता है, क्या इसके कारण है, फिर इसके लक्षण क्या हैं, उसका क्या निवारण है, इसके बारे में बताएं, क्योंकि भय ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई कोरोना है क्या जी। कोरोना देखो एक प्रकार से निमोनिया है जिसका कारण हमें पता नहीं है। सीधी सी बात है कि निमोनिया। एक बार बैठा दो ना डॉक्टर साहब, अच्छी तरह से थोड़ा बैठ के। सब सेंटर में बैठे थे सर, ये यहाँ ठीक नहीं है? सब सेंटर में ठीक है। हाँ चलो ठीक है, सुविधाएँ पूरी हैं, लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। हाँ तो कोरोना पॉजिटिव है कुछ यहाँ? स्टाफ के 4 पॉजिटिव हो गए। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात क्योंकि मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि कोरोना वायरस है क्या जी, कि COVID-19 असल में है क्या जी। COVID-19 का सबसे पहले केस चाइना में मिला था जी, सबसे पहली बात तो ये जी। और COVID-19 इसको इसलिए बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस इन 2019 है, इसके लिए इसको COVID-19 बोलते हैं। अच्छा, और कोई कारण नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना वायरस मतलब बीमारी, मतलब कोविड कोरोना बोलते हैं कि कोरोना है, कोरोना कुछ भी नहीं, निमोनिया खाली, फेफड़ों का इन्फेक्शन जो छोटे बच्चों को होता है निमोनिया, और बड़ों को भी हो सकता है। तो मतलब सांस से फैलने वाली बीमारी है, सीधी सी बात है। अब हम देखते हैं कि हर घर में 1-2 पेशेंट या कई घरों में तो पूरा परिवार ही फीवर से मतलब पीड़ित है, बुखार आ रहा है, तो इसका कोई कोरोना से रिलेशन है या वैसे ही ये अलग से वायरल चले हुआ? देखो वायरल फीवर भी है और कोरोना भी अपनी जगह है। अच्छा, अलग अलग है वैसे? अलग अलग है। हम इस समय सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई जिन लोगों को सिम्टम जैसे खांसी बुखार, सांस लेने में दिक्कत है, और जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, जैसे 60 प्लस है, और जैसे शुगर है, डायबिटीज मतलब BP की शिकायत है, या और कोई सांस लेने में दिक्कत है, उन लोगों को हम ये कह सकते हैं भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार सुविधा दे रही है वो आकर लें, अपनी कोरोना की जाँच करवाएँ।
अब कुछ लोग ये करे हैं, ये वैक्सीनेशन से भी डरे हुए हैं। लोगों का ये है कि एक अफवाह कह सकते हैं फैली हुई है कि वैक्सीन देने से बुखार हो जाता है और कोरोना बन जाता है। क्या वैक्सीन सेफ है, क्या वैक्सीन करवानी चाहिए अथवा नहीं करवानी चाहिए, ये सस्पेंस दूर करें आप। देखो, वैक्सीन तो ये है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो वैक्सीन लग रहे अभी तक। अच्छा, दोनों ही देखो देश में सुरक्षित बताई गई है पूरी तरह। और वैक्सीन के बाद बुखार आना कोई बीमारी का वो नहीं लक्षण जी। मतलब नॉर्मली वैक्सीन का क्या काम होता है, हमारे शरीर में थोड़ा सा हो जाएगा, एंटीबॉडी बनेंगे और एंटीबॉडी बनेंगे वही बात है कि शरीर का नॉर्मल रिस्पॉन्स है फीवर, हम बीमारी नहीं बोल सकते उसको जी। मतलब नॉर्मली कोई और टीका लगाए तब भी फीवर हो जाती है क्योंकि सीधी सी बात है वैक्सीन में वायरल पार्टिकल है शरीर में जाएंगे जी, तो एंटीबॉडी बनती है जी। भाई शरीर को तो यही लगेगा कि भाई बाहर से कुछ आया नया और नई चीज़ आई तो भी लड़ेगा उसके खिलाफ जी। लड़ने में तो फिर वही बात है, थोड़ी बुखार भी हो सकती है। अब घर में कोई कोरोना पेशेंट है, जैसे हमें पता चलेगा घर में कोरोना पेशेंट है, तो उसे किस प्रकार बचें? देखो, संपर्क तो होता रहता है हर चीज़, उसको खाना भी दिया जाएगा, अगर दूर से तो ऐसा हो नहीं सकता, संपर्क में तो रहेगा, तो बचे कैसे, फिर कैसे बचाव हो? सबसे पहले तो सांस की वो है, मतलब जैसे नॉर्मल हम छींकते हैं, खांसते हैं तो ड्रॉपलेट्स से फैलते हैं। अच्छा जी, तो उसके लिए मास्क यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ऐसे हाथ टच करने से कुछ नहीं, उसको खाना देने से पहले सैनिटाइज करो हाथों को जी, खाना देने के बाद सैनिटाइज करो, जो उसके बर्तन है जिस चीज़ों को वो यूज़ करता है उनको अलग रखो जी। मतलब उन चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना, उनको अवॉइड करना है। और दूसरी ये कुछ बातें ये ध्यान रखनी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो, फीवर ना हो। और जैसे कि MPSW से एरिया का होता है जो, उनको अगर कोई दिक्कत हो तो बताए। सबसे ज़रूरत है ऑक्सीजन सेचुरेशन जी, उसके लिए सरकार और PHC से प्लस ऑक्सीमीटर वो ले सकते हैं जी, कि भैया प्लस ऑक्सीमीटर दो, नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र में जा करके चेक। आपके यहाँ है सुविधा? कितनी ऑक्सीजन है फेफड़े? ऑक्सीजन सेचुरेशन पता होना चाहिए उनको। तो एक लाख जैसे लगातार बुखार हो रहा है, उसको लगता है कि कोरोना हो सकता है, तो क्या करें सबसे पहले? सबसे पहले तो अपने PHC पर आकर जांच करवाए, RT-PCR जांच होती है कोरोना की, उसकी जांच करवाए ताकि उसको पता चल सके भाई कोविड है या भी नहीं है। अच्छा, अंधेरे में ना रहे कि भाई लोगों में ये भी भय है भाई उनको पता चल गया ना सरकार डॉक्टर आएंगे, पहले उठा कर ले गए थे, इस पर उठा कर ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कुछ? ना, जिनको जैसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे मैंने बताया था कि BP शुगर, लंबी बीमारी चल रही हो, सांस की दिक्कत हो, TB, अस्थमा, इन मरीजों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जैसे यंग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो वैक्सीन तो ये स्वस्थ आदमी ही लगवाए या बीमार भी लगवा सकता है? बीमार भी लगवा सकता है, पर जैसे थोड़ी जैसे इम्यूनिटी कम होती है ना, तो जैसे बता रहे हैं कि भाई वैक्सीन के बाद कई बार पॉजिटिव आ जाते हैं जी। वो इसलिए आ सकते हैं कि भाई क्या पता उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो कि लड़ ना पाए शरीर, क्योंकि इसमें तो वायरल पार्टिकल ही है ना। यानी वैक्सीन सभी करवा सकते हैं, चाहे बीमार भी हो? बीमार भी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं, मतलब बुखार कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। बुखार हो सकता है वैक्सीन के बाद? हाँ, कोई नॉर्मल चीज़ है बुखार होना। और ये जो वायरल बुखार चला हुआ है हर घर में लगभग पेशेंट मिल जाएगा, इससे कोविड का कोई लेना देना नहीं है या? अब देखो, ये लगातार बुखार होने से हो सकता है, पहले तो उसे पता होना चाहिए भाई मैं किसी कोविड के संपर्क में आया हूँ या नहीं आया हूँ, कि भाई मैं कहाँ काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ। अब कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में काम करता है तो सीधी सी बात है, कॉन्टैक्ट जिसको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है पता चल गया यार, तो उसको क्या करना चाहिए? अब जैसे कोई मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया जी, हॉस्पिटल वाले आएंगे कि डॉक्टर साहब आप पॉजिटिव आ गए हो जी, वो मुझे प्लस ऑक्सीमीटर दे के जाते हैं जी, कि मुझे अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन रखनी है। जैसे 94 बताते हैं, 94-95 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये 94, 94 मतलब 94 से जितनी ज़्यादा होगी ना वो बढ़िया रहता है। और कम कम होते तो फिर वही बात है ना कि इंसान को खुद पता चलने लग जाएगा जी, सांस लेने में दिक्कत होगी, और भी चीज़ें होती हैं। 95 से ऊपर होनी चाहिए। हाँ, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई घबराने वाले। प्राथमिक हेल्थ सेंटर या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र गुराना में यहाँ हम पहुँचे हैं, डॉक्टर साहब से बात भी अभी की हमने कि कोरोना कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। और अभी हम आपको दिखाएंगे, ये डॉक्टर हीना, अभी इनका भाई साहब का सैंपल लेंगी और साथ में ये डॉक्टर साहब हैं MBBS, ये तैयारी करें, अभी सैंपल लेंगे। आप आइए और PHC में अपना सैंपल दीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है,
लोग सैंपल दे रहे हैं और सैंपल से दो दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर अपने आप आपको घर से मारने के लिए आएंगे। देखिए ये सैंपल लिया जा रहा है, इस प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए आप और सैंपल लीजिए डॉक्टर साहब। ये देखिए जी, ये थ्रोट स्वैब है, इसको गले में से लेते हैं, युवला के साइड में पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल में से जस्ट हल्का सा टच करके हमें लेना होता है। बड़ा मुंह खोलो जी, बाहर। ये देखिए इस प्रकार से बड़ा मुंह खोलने के लिए और जी बाहर निकालने के लिए कहते हैं। तो हमारा स्वैब सीधा पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल को टच करता है, तो उससे पेशेंट को कोई गैग रिफ्लेक्स या कोई वॉमिटिंग की दिक्कत नहीं होती है। अगर स्वैब जीभ को टच कर जाता है उस टाइम पे पेशेंट को वॉमिटिंग का अनुभव होता है। गले में या नाक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें जस्ट हल्का सा टच करके निकालना होता है। ये देखिए अभी नाक से नेजल स्वैब के लिए भी नोज के फ्लोर ऑफ द नोज के जस्ट बिल्कुल फ्लोर के एडजस्टमेंट हमें लेना होता है। तो कितने टाइम में इसका पता चल जाता है जी रिपोर्ट का? रिपोर्ट इसकी दो दिन बाद आती है, दो दिन बाद या पर डे 24 घंटे बाद भी आ सकती है, वो वर्कलोड पे डिपेंड करता है हिसार में। तो रिपोर्ट के बाद आप रोगी से संपर्क करते हो या खुद आता है वो? रिपोर्ट के बाद अगर पॉजिटिव आती है तो पेशेंट को 17 दिन क्वारंटाइन रहना होता है अपने घर पे। अगर दिक्कत खराब है पेशेंट की तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। थैंक यू। ये थी डॉक्टर हिना जी, सैंपल ले रही थी अभी और हमने डॉक्टर से बात की, कोरोना के बारे में पूरी जानकारी दी कि डरने वाली बात नहीं है। आप नज़दीकी PHC पे आइए और अपना सैंपल दीजिए, दो दिन के बाद रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसे ही कोरोना पॉजिटिव होगा तो डॉक्टर आपसे संपर्क करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीमीटर से पता चलेगा आपका यहाँ आपके लंग्स में कितने ऑक्सीजन कम है कितनी ज़्यादा है, मैक्सिमम जैसे 95 डॉक्टर साहब ने होनी चाहिए। तो डरने की सकता नहीं, आप अपने नज़दीकी PHC पर जाइए और सैंपल दीजिए और अपना इलाज कराइए। तो आज की हमारी यही एक रिपोर्ट थी, मिलते हैं अगली सच्ची पक्की और अच्छी खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।